Hi everyone. Today we are going to study the application of matrices. Now we have studied so far the basics of matrices. We also saw how to find the inverse of matrices using the three different methods. Now in sabka application kya hai? Ye kahan pe use hota hai? To hum log ek application dekhenge matrices ka. Wo hota hai simultaneous equation solve karne ke liye. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड्स हैं मैट्राइसेस को यूज करके. पहला मेथड इज मेथड ऑफ इन्वर्जन, सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ रिडक्शन. दैट आई विल बी टीचिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो लाइक आई सेड, वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्राइसेस. मतलब जैसे हमारे पास स्कूल में होता था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन होते थे. सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन है. सो सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. ये फर्स्ट इक्वेशन है. ऐसे ही हमारे पास दो और इक्वेशन है. देयर आर थ्री वेरिएबल्स x y एंड z. सो नेक्स्ट वन विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. And the last one will be all with 3. अब अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और हमें यहाँ पे x, y, z का वैल्यू निकालना है, तो फिर हम लोग के पास दो तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के ऑलरेडी. वी कैन यूज क्रेमर्स रूल, वो याद है, dx by d, dy by d, dz by d. पर वो बहुत लंबा मेथड होता है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग ऑल्सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू एलिमिनेट सम कोएफिशिएंट्स और उससे शायद कुछ हो सकता है. अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, ज़्यादा इक्वेशंस होते हैं, तो और डिफिकल्ट हो जाता है इवन क्रेमर्स रूल, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है. उन केसेस में मैट्राइसेस से सॉल्व करना सबसे बेस्ट होता है. हमारे सिलेबस में तो हमारे पास 2x2 एंड 3x3 ही है, लेकिन मैट्राइसेस का एप्लीकेशन ज़्यादा वेरिएबल्स, ज़्यादा इक्वेशंस में होता है. इनको इजीली कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डाल सकते हैं, इस रीज़न से हम ये पढ़ रहे हैं आज. अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको हम लोग कैसे मैट्राइसेस को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे. नाउ आई कैन कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्मेट. नाउ हाउ, आई विल राइट डाउन ऑल द कोएफिशिएंट्स इन वन मैट्रिक्स. सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 इन वन मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स आई मेक अ कॉलम मैट्रिक्स एज x y एंड z इज इक्वल टू एन अदर कॉलम मैट्रिक्स d1 d2 एंड d3. जस्ट ऑब्जर्व, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, a1 इंटू x प्लस b1 इंटू y प्लस c1 इंटू z इज इक्वल टू d1 आएगा ना. That is the first equation. तो actually हम लोग ने ये equations को ऐसे matrix form में लिखा है. ठीक है, so first step is always to convert your system of equations into matrix form. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, A x is equal to matrix B. ये x है जो हमें ढूंढना है. This A is the coefficient matrix. ठीक है, x is the variable matrix जो हमें ढूंढना है. ये B दूसरे side वाला column matrix है. ठीक है, ऐसे हम लोग convert कर लेते हैं. अभी एक बार हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है, फिर हम लोग इधर मेथड ऑफ इन्वर्जन जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं. तो यूर टू अप्लाई मेथड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन है ना नाम, इससे ही पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पे इन्वर्स यूज करेंगे. सो ओवर हियर व्हाट वी विल डू इज वी विल प्री मल्टीप्लाई बाय द इन्वर्स. सो राइट नाउ वी हैव दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी. प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स वी गेट वी विल गेट ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. ठीक है, पहले इसे इधर ब्रैकेट है. देखो प्री मल्टीप्लाइंग लिखना जरूरी है, बिकॉज इफ आई राइट पोस्ट मल्टीप्लाइंग देन आई हैव टू मल्टीप्लाई फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ठीक है, यहाँ पे आई एम मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वो जरूरी है. तो ये फिर ये दोनों कंबाइन होके आई होगा. तो नाउ वी कैन कंबाइन दीज टू, सो इट विल बिकम आई. आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी.
सो देयरफॉर वी हैव दैट एक्स इज इक्वल टू, जो हमें ढूंढना था, ए इनवर्स इंटू बी. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हर क्वेश्चन में पहले तो ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर ए इनवर्स. अभी ए इनवर्स निकालने के लिए यू कैन यूज एनी मेथड, विच एवर वन यू लाइक. ओके, आई विल सॉल्व क्वेश्चंस बाय डिफरेंट मेथड्स जस्ट टू गिव यू अ फील. ठीक है, एंड फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स का. सो यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एनी मेथड एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय बी टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. x मतलब क्या, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स x y एंड z. तो x y एंड z के वैल्यूज मिल जाएंगे. इसको हमेशा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 टू अंडरस्टैंड दिस मेथड बेटर. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव x + 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 3. यहां पे मेंशनड होता है मेथड ऑफ इनवर्जन या मेथड ऑफ रिडक्शन. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, टू इक्वेशंस है. तो फर्स्ट थिंग इज कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. वी गेट पहले तो 1, 2, फिर सेकंड वाले में 2, 3. ठीक है, इनटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3. ठीक है, so now this is of the form a x is equal to b. then you write pre multiplying by a inverse, we get a inverse into a x is equal to a inverse into b. therefore I into x is equal to a inverse into b, and therefore x is equal to a inverse into b. okay, now we write to find A inverse. अभी A inverse ढूंढने के लिए we have matrix A यहाँ पे. You can use adjoint method, you can use row transformations, you can use column transformations, anything is okay. I would say that you should use adjoint method क्योंकि वो easiest है और उससे guaranteed answer आ जाता है जल्दी, तो वो better होता है. तो पहला वाला question उससे करते हैं हम लोग, लेकिन सारे दूसरे मेथड्स भी यूज करके मैं दिखाऊंगी कि दूसरे मेथड से भी कैसे कर सकते हैं. ठीक है, बट यू कैन यूज एनी थिंग दैट यू लाइक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे. सो ए इज इक्वल टू 1, 2, 2 एंड 3. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स. तो पहले तो कोफैक्टर्स के साथ स्टार्ट करेंगे. तो कैपिटल ए 1, 1 इज इक्वल टू -1 raised to 1 + 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1 into 3 विच इज जस्ट 3. नेक्स्ट ए 1, 2 इज इक्वल टू -1 raised to 1 + 2 इंटू 2. इन दोनों को हाइड करके जो मिलता है यहाँ पे, सो देयरफॉर दिस इज -2. नेक्स्ट ए 2, 1 इज इक्वल टू -1 raised to 2 + 1. कवर द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड रो, सो यू गेट 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -2. एंड नेक्स्ट ए 2, 2 इज इक्वल टू -1 raised to 2 + 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1. ओके, देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज. अभी एडजॉइंट ढूंढने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. फिर ए इनवर्स के लिए वी विल हैव टू डिवाइड बाय डिटरमिनेंट. सो लेट्स डू दैट. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इट विल बी द सेम थिंग बिकॉज ये एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सेम ही रहेगा. 3 - 2 - 2 एंड 1. अभी वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये ए कैपिटल नहीं, ये स्मॉल ए है. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -1 into this matrix विच इज इक्वल टू -3, 2, 2 एंड -1. वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू फॉर ए इनवर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स. नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू वी हैव फाउंड आउट. बी का वैल्यू वॉज देयर इन द स्टार्टिंग. ये है बी का वैल्यू 2 एंड 3. सो ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट दैट दिस इज
minus 3 into 2, which is minus 6 plus 6, so this is 0, and then 2 into 2, 4 minus 3, which is equal to 1. Therefore, x ka value is this, matlab x and y ka value is 0, 1. So, x is equal to 0 and y is equal to 1 is the solution of this set of equations. You can also verify, main question mein dal ke dekho yahan pe, x ka value 0 dala, y ka value 1 dala, to 2 is equal to 2, barabar aa raha hai. Yahan pe bhi 0, yahan pe 1 dalenge, to barabar aa raha hai. You can always check whether you got the correct answer or no. Okay? Now, let us do the next question. First step, as always, is to convert into matrix form. Maine jaise pichle question mein likha tha, wahi exactly sab kuch same likhna chahiye. Lekin main abhi thoda sa shortcut kar rahi hu, that we can finish it faster. 2, 1, 3, 5. Theek hai? Into x, y is equal to 5 and minus 3. Theek hai? To pehle likhna chahiye wo, converting into matrix form, fir aise likho. फिर उसके बाद वो पूरा जो हमने किया ना ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने का, वो हर क्वेश्चन में करना है. एग्जैक्टली यू शुड राइट द सेम थिंग बेसिकली, बट वी गेट दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी. ठीक है, अभी टू फाइंड ए इनवर्स, तो वो सारे स्टेप्स हर क्वेश्चन में करने हैं, उनके लिए मार्क्स है, यू शुड डू इट. नाउ ए इनवर्स ढूंढने के लिए लेट्स डू वन थिंग, दिस टाइम वी विल फाइंड आउट ए इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट इज 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. अभी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो दिस इज 2, 1, 3, 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1. नाउ हम लोग को पहले तो ये 1 बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वी विल फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, मतलब हम रो 2 माइनस रो 1 करते हैं और फिर हम इंटरचेंज करेंगे, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट 2, 1, दिस मीन्स एज इट इज, एंड हियर वी गेट 1 and 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, हियर वी हैव 1 and 0 एंड देन हियर वी हैव -1 and 1 ओनली. नाउ आई विल इंटरचेंज, so I do rho 1 interchange with rho 2, so then we get 1, 4, 2, 1 into A inverse is equal to -1, 1, 1, 0. now इसको 0 बनाना है next, so for that I will do rho 2 minus 2 rho 1. okay, so therefore here we get 1, 0, इधर 4. now 1 minus 8 is -7. I'm doing this a little fast because we have done so many questions of this type, right? -1, 1, and then this becomes 1 minus 1 into -2, matlab +2, tab 3, and then 0 minus -2 into 1, so -2. ठीक है, अभी next हम लोग को ये -7 को 1 बनाना है, तो उसके लिए रो 2 डिवाइडेड बाय -7. यहाँ पे डिटर्मिनेंट 7 आया था ना, तो ये फ्रैक्शन तो आने ही वाला था. This is equal to 1, 4, 0, and 1 into A inverse is equal to -1, 1, 3 by -7, so -3 by 7 and 2 by 7. Now last step, row 1 minus 4 times row 2, यहाँ पे तो identity matrix आ जाएगा, into A inverse is equal to, now you have to keep row 2 the same, -1, -4 into -3 by 7. Let me write it down to avoid any confusion. So it is -1 plus 12 divided by 7, which is 12 minus 7, matlab 5 divided by 7. Then here it is 1 minus 4 into 2 by 7, matlab 1 minus 8 by 7, to -1 by 7. So that is our answer for A inverse. अभी A inverse मिल गया है, हम लोग को X ढूंढना है. तो यू सी ये वाले मेथड में ज्यादा झंझट है, उससे बेटर तो एडजॉइंट मेथड से काफी फटाफट निकल सकता था आंसर, इसलिए आई वुड से कि एडजॉइंट मेथड करना बेटर होता है. ठीक है, अभी लेट अस फाइंड द वैल्यू फॉर X.
So we have to multiply A inverse with B. Let us multiply now. So we get on multiplying 5 by 7 into 5 is 25 by 7 plus 3 by 7. Matlab 28 by 7. 28 by 7 is 4. Minus 15 by 7 and minus 6 by 7 आ रहा है, मतलब minus 21 by 7, which is minus 3. तो जो x का value है वो है 4 और y का value है वो है minus 3. You can substitute it over here and check. यहाँ पे 4 डालेंगे तो 8 minus 3 is 5, बराबर है. यहाँ पे 12 आएगा minus 15, minus 3, correct है. So therefore our answer is correct. You should always verify, इस तरीके से sure रह सकते हैं कि correct किया है कि नहीं, ठीक है? अभी आगे के क्वेश्चंस में हम लोग एडजॉइंट मेथड से ही करेंगे बिकॉज दैट इज इजियर. ओके, नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री इक्वेशंस. फर्स्ट अगेन सेम चीज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वही लिखना है यहाँ पे भी. यू राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म. सो 2 माइनस 1 1, देन यू हैव 1 2 3, देन नेक्स्ट 3 1 एंड माइनस 4 into x, y, z is equal to 1, 8 and 1. ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका इनवर्स ढूंढेंगे. तो टू फाइंड ए इनवर्स वी विल हैव टू फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ना. तो ए 11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू एम 11. अभी एम 11 डायरेक्टली निकालते हैं, ठीक है? 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है? सो वी हैव माइनस 11 इंटू 1, तो आंसर इज माइनस 11. नेक्स्ट ए 12 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू दिस विल बी माइनस 4 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 13, लेकिन इधर भी माइनस 1 है तो प्लस 13. ए 13 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 3 इन टू, अभी इट विल बी 1 माइनस 6. आई होप यू रिमेंबर ये कैसे करना है. हम लोग ने ये किया था ना इन फाइंडिंग इनवर्स वाले वीडियोज में. नाउ ए 21 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 1. अभी 21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, तो माइनस 1 इंटू 4, माइनस 1 इंटू माइनस 4 तो 4 होगा माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 3 तो माइनस 3. नेक्स्ट ए 22 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू दिस विल बी माइनस 8 माइनस 3 सो माइनस 11. For the other cofactors, I will be solving them in the similar manner. सो नाउ आई एम डायरेक्टली राइटिंग डाउन एडजॉइंट ऑफ ए. हम लोग को बस ये सब कुछ कॉलम वाइज लिखना है, रो वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज लेते हैं ना जब एडजॉइंट निकालना होता है. जब ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो थोड़े से स्टेप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है ना. यू कैन ऑलवेज स्किप अ फ्यू स्टेप्स, दैट्स नॉट एन इश्यू. एनी वे इनवर्स निकालने के लिए 2 मार्क्स ही देंगे वो लोग, बाकी सारे स्टेप्स के लिए भी 1-1 मार्क होता है. सो यू कैन ईजिली स्किप अ फ्यू स्टेप्स. But if you feel more confident by doing all the steps, then you should do it that way. Okay? Now, we also have to find determinant of A. Determinant of A is equal to 2 into, we will have minus 11, minus 8, minus 3, फिर plus 1 हो जाएगा, then that will be into 13, बराबर हमने already निकाले ना cofactors, वही multiply करना होता actually. Plus 1 into, here it will be 1 minus 6, which is minus 5. फर्स्ट थ्री जो है ना वही है, इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 13 माइनस 5, सॉरी दिस इज माइनस 13, सो दिस इज ऑल्सो माइनस. सो देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट माइनस 40. देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 40, वो माइनस साइन को आई एम टेकिंग इनसाइड.
So therefore we get 11, 3, 5, then minus 13, 11, 5, then here we get 5, 5 and minus 5. This is the value for A inverse. अभी हम लोगों को क्या ढूंढना है, हमें x मैट्रिक्स ढूंढना है. x मैट्रिक्स इज a इनवर्स इनटू b, सो वी हैव टू डू दैट नेक्स्ट. नाउ सो वी हैव रिटन डाउन a इनवर्स एंड b. अभी हम लोगों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 11 प्लस 24 प्लस 5, नेक्स्ट माइनस 13 प्लस 88 प्लस 5, नेक्स्ट 5 plus 40 minus 5. Now let's simplify this. So we get 1 divided by 40. Here we have 11 plus 5 is 16. 16 plus 24 is 40. Next, here we have minus 13 plus 5. Minus 13 plus 5 is equal to minus 8. So ye ho jayega, 88 minus 8 is 80. And this is just 40. 40 से डिवाइड करने पे हम लोग को आंसर मिलता है एज 121. एंड दीज आर द वैल्यूज फॉर x, y एंड z. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1. यू कैन ऑलवेज वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट ओवर हियर इन दीज थ्री इक्वेशंस एंड चेकिंग वेदर इट इज करेक्ट और नो. ओके, नाउ लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन. वी हैव x plus y plus z इज इक्वल टू 1, x minus y plus z is equal to 2 and x plus y minus z is equal to 3. So first of all, वापस write it in the matrix form. Now we want to find out the value for A inverse. So to find A inverse, we find out first of all determinant of A and then we'll find out all the cofactors. We get determinant is equal to 4. Now let us find A inverse. Uske liye capital A11 is equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into 1 minus 1, which is equal to 0. Next, A12 is equal to minus 1 raised to 1 plus 2 into, abhi 1-2 ke liye basically jo is bracket mein hai, that is minus 1 minus 1. So minus 1 minus 1 is equal to minus 2 into minus 1 bhi hai idhar pe, so it becomes 2. Next, A13 is equal to minus 1 raised to 1 plus 3 into, it will be 1 plus 1, which is equal to 2. Similarly, I will find out the other cofactors as well. So in this way we will find out all the cofactors. अभी इसके बाद adjoint matrix लिखते हैं. Adjoint of A is equal to, we'll write it column wise, 0, 2, 2. ठीक है? फिर next, 2, minus 2, 0. And then lastly, 2, 0 and minus 2. अभी now that we've got the adjoint, we have to find A inverse, which is just this divided by 4. तो 4 से divide करेंगे तो हर जगह पे 2 है ना, तो बाहर से एक 2 रह जाएगा, सारे 2 1 हो जाएंगे अभी. सो दिस इज इक्वल टू 0 1 1 1 माइनस 1 0 फिर 1 0 एंड माइनस 1. ठीक है, अभी हम लोग को x ढूंढने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, दैट इज 1 2 3. सो लेट्स डू दैट नाउ. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, सो वी गेट 1 बाय 2 इनटू, अभी क्या मिलेगा, 0 इनटू 1 0 प्लस 2 प्लस 3. Next, 1 minus 2. Next, 1 minus 3. Okay, so this is equal to half. Then we have 5 minus 1 and minus 2. Therefore, we have that x is equal to 5 by 2.
y is equal to minus 1 by 2 and z is equal to minus 1. This you can substitute in the original equations and check whether बराबर आ रहा है कि नहीं. For example, पहले वाले में सबका addition 1 होना चाहिए. सबको add करेंगे तो 4 by 2 आएगा. तो 4 by 2 is equal to 2, minus 1 is equal to 1. तो बराबर है ना, ऐसे सब में check कर लेने का एक बार. So that you are sure whatever you have calculated is correct. Okay? So with that, we have understood this method of inversion. I hope you have understood this method. While explaining the method only, मैंने solve करा दिया है exercise 2.6 का question number 1. In the next video, we will be learning the last topic in this chapter, that is method of reduction.